हेलो दोस्तों, अगर अमेरिकन लॉयन और सेबर टूथ टाइगर के बीच लड़ाई हो जाती है तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। वैसे तो यह दोनों ही हमारी धरती से हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। जहां अमेरिकन लॉयन 11,000 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, वही सेबर टूथ टाइगर 10,000 साल पहले। हालांकि यह दोनों जब हमारी धरती पर मौजूद थे तब यह दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, क्योंकि यह दोनों ज़्यादातर एक ही इलाकों में रहा करते थे। जैसे कि सेबर टूथ टाइगर साउथ और नॉर्थ अमेरिका में रहा करते थे, वही अमेरिकन लॉयन नॉर्थ अमेरिका में रहा करते थे, इसलिए इन दोनों का आमना सामना अक्सर हुआ करता था। और यह दोनों ज़्यादातर अपने शिकार पर या फिर अपने इलाके पर दावा दिखाने के लिए ही लड़ाई करते थे। और इस लड़ाई का विनर अभी इस वक्त हमें पता लगना हमारे लिए नामुमकिन है। और यह नामुमकिन क्यों है वह तो आपको पता ही है, इसलिए हम इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है और इस लड़ाई का विजेता कौन होने वाला है यह आज के इस वीडियो में पता लगाने वाले हैं, वो भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के आधारित पर। तो इसीलिए आप हमारा यह वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। जैसे कि आपको पता है, हम सबसे पहले इनके साइज से ही शुरुआत करते हैं। जहां अमेरिकन लॉयन लंबाई में करीब 2.1 मीटर से लेकर 3.7 मीटर तक हो सकता है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनकी शोल्डर तक की हाइट करीब 1.2 मीटर से लेकर 1.4 मीटर तक हो सकती है। वही सेबर टूथ टाइगर की लंबाई करीब 2.3 मीटर से लेकर 2.8 मीटर तक हो सकती है, और इनकी शोल्डर तक की हाइट 1 मीटर से लेकर 1.3 मीटर तक हो सकती है। वही इनका एवरेज वेट 240 किलो से लेकर 300 किलो तक हो सकता है, और इनका मैक्सिमम वेट 500 किलो तक हो सकता है। वही अमेरिकन लॉयन का एवरेज वेट 256 किलो से लेकर 350 किलो तक हो सकता है, मगर 2012 के स्टडी के अनुसार इनका वेट 520 किलो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यह थी इनके साइज के बारे में की जानकारी। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही बताया हुआ है कि सेबर टूथ टाइगर की पूंछ बाकी बड़ी बिल्लियों से काफ़ी छोटी होती है, इसलिए इन्हें लंबाई के मामले में कम ही नापा जाता है। इसलिए अगर इन दोनों को बिना पूंछ के नापा जाए तो यह लंबाई के मामले में काफ़ी आसपास होंगे, इसलिए हम इनको साइज के मामले में बराबर मानकर ही चलेंगे। तो यह तो सिर्फ साइज के बारे में की जानकारी थी। तो अब हम इन दोनों के बारे में की कुछ ऐसी जानकारी जान लेते हैं जिसकी मदद से यह शिकार को अंजाम देते हैं और साथ ही लड़ाई के वक्त भी उनका इस्तेमाल करते हैं। तो चलो सबसे पहले अमेरिकन लॉयन से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अमेरिकन लॉयन दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति है, जो मॉडर्न लॉयन के मुकाबले 25% बड़ी थी, इसलिए यह कुछ मायने में सेबर टूथ टाइगर से साइज में बड़ी थी। और साइज में बड़े होने के बावजूद भी इनके पास सेबर टूथ टाइगर से कम ही मसल पावर था, मगर इनमें स्टैमिना ज़्यादा होता है। और साथ ही यह एजिलिटी के मामले में भी सेबर टूथ टाइगर से आगे है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका तो बाइट फोर्स भी सेबर टूथ टाइगर से ज़्यादा है, मगर इनके कैनाइन टीथ सेबर टूथ टाइगर के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेकर 13 सेंटीमीटर तक होती है। और यह शिकार करने के मामले में सेबर टूथ टाइगर से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और साथ ही शिकार करने का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है। हालांकि यह दोनों भी झुंड में रहा करते थे। वही सेबर टूथ टाइगर की बात करें तो आपको सबसे पहले इनके बड़े से कैनन टीथ ही नजर आएंगे, जो 20 सेंटीमीटर से लेकर 28 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। वही इनमें अमेरिकन लॉयन से ज़्यादा मसल पावर होता है, और साथ ही इनके जो सामने के पैर है वो भी काफ़ी मस्कुलर होते हैं, इसी कारण इनके जो पंजे होते हैं वह अमेरिकन लॉयन के पंजों के मुकाबले काफ़ी बड़े होते हैं। और यह इन्हीं पंजों की मदद से कितना भी बड़ा शिकार क्यों ना हो उसे मौत के घाट उतार देते हैं, जिसमें इनके बड़े से कैनन टीथ भी मदद करते हैं। और इन्हीं कैनन टीथ की वजह से यह 350 PSI बाइट फोर्स तक ही काट सकते हैं। तो यह थी इन दोनों के स्ट्रेंथ के बारे में की जानकारी। तो अब हम इन दोनों के वीकनेस के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, सेबर टूथ टाइगर के पंजे अमेरिकन लॉयन के पंजों के मुकाबले बड़े होते हैं, इसलिए अमेरिकन लॉयन पंजों के मामले में सेबर टूथ टाइगर से पीछे है। और साथ ही अमेरिकन लॉयन के गर्दन के चारों तरफ आज के लॉयन के मुकाबले कम आयल मौजूद था, इसलिए इनके गर्दन पर अटैक करना सेबर टूथ टाइगर के लिए आसान होगा। वही सेबर टूथ टाइगर की बात करें तो सेबर टूथ टाइगर की जो ताकत है वही इनकी कमजोरी भी है, यानी कि इनके बड़े से कैनाइन टीथ। वह कैसे तो सुनिए। सेबर टूथ टाइगर के जो टीथ है वह किसी सेबर यानी कि धारदार और मुड़ी हुई चाकू के तरह ही दिखते हैं, जो सिर्फ शिकार करने के लिए ही बने हुए हैं। अगर यह इनकी मदद से लड़ाई करे तो यह अपने प्रतिद्वंदी पर ज़्यादा दबाव से हमला कर नहीं पाता है, क्योंकि इनके जो दांत है वह जितने बड़े उतने ही नाजुक हुआ करते हैं, इसलिए यह ज़्यादा दबाव से हमला करे तो इनके दाँत टूट जाने का खतरा बना रहता है। और जब इनके दांत टूट जाते हैं तब यह दोबारा ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें बाद में शिकार करने के लिए और शिकार खाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण इनके दांत लड़ाई के वक्त इनकी वीकनेस बन जाते हैं। वही इनका बाइट फोर्स भी अमेरिकन लॉयन से कम है, और साथ ही यह एजिलिटी और स्टैमिना के मामले में भी अमेरिकन लॉयन से पीछे है। तो यह थी इन दोनों की वीकनेस। तो अब हम इसी जानकारी के आधारित पर विनर निश्चित करने वाले हैं। तो आप सब लोग तैयार हो विनर निश्चित करने के लिए? अगर तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ मेरा ओपिनियन बताने वाला हूँ जो मैंने इस जानकारी के आधारित पर निश्चित किया हुआ है। तो आप सब लोग तैयार हो मेरा ओपिनियन सुनने के लिए? तो मेरा ओपिनियन है अमेरिकन लॉयन।
तो आप भी आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।